हारस हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शफल कर लेते हैं थॉरस वृषभ राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थॉरस वृषभ राशि, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, वाओ, सन कार्ड है आपके लिए थॉरस। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरती के साथ आप अपने इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हो, बहुत ही बुलंदगी के साथ। अगर उदास रहे भी हो तो ये हफ्ता आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान कर रहा है, करना चाहता है, जहाँ पर अपनी वो जो लो वाइब्रेशन है आपकी, उसको आप बढ़ा सकें, उसे अपनी हाई वाइब्रेशंस में तब्दील कर सकें। तो यहाँ ईश्वर का साथ है, आपके एंजल्स का साथ है, तकदीर का साथ है, तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को क्रिएट करने का अच्छा अवसर मिल सकता है आपको इस हफ्ते। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। महिलाएं जो कि एक ही तरह की रूटीन से तंग आ चुकी थी, जो कुछ नयापन चाहती थी, मैं उनको खास करके यहाँ पर ये इनकरेज करूँगी कि कुछ ना कुछ अपने रूटीन में शामिल कीजिए जो आप खुद के लिए करती हैं। महिलाएं जो गृहणियाँ होती हैं, खास करके बच्चों के लिए, पति के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बस उतनी ही सीमित होकर रह जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने लिए कुछ करने का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है। सन कार्ड मेरे लिए डेस्टिनी, लाइफ पर्पस का भी मैसेज है, तो अवेकनिंग के भी चांसेस रहते हैं इस कार्ड के साथ। तो मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, किताबें हैं, टीवी है, सोशल मीडिया है, कुछ भी है या लोग हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हो उसको ऑब्जर्व ज़्यादा करो, उसको समझना, उसको समझना कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहने की कोशिश क्या कर रही है, मुझे क्या बताया जा रहा है, क्या मुझे समझाया जा रहा है। तो थोड़ा सा चकन्ने रहना है आपको। ठीक है, वेरी नाइस एनर्जी। यहाँ पर है जस्टिस, माय गॉड, दो मेजर आर्काना। यहाँ पर डेस्टिनी है, यहाँ डेस्टिनी प्ले में ये जो खेल चल रहा है इसमें डेस्टिनी काम कर रही है। कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वो जो प्रोसेस होता है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम कभी लो होते हैं, कभी हाई होते हैं, हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, ट्रिगर्स को समझ रहे होते हैं, कुछ गलतियाँ, गुस्ताखियाँ जो हमसे हुई होती हैं उसके लिए पश्चाताप कर रहे होते हैं, तो ये सारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का चलता रहेगा। आप अपनी मेडिटेशन करते रहिए, ये पड़ाव आते रहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, ऐसे पड़ाव आते रहते हैं जहाँ पर हमें पश्चाताप भी करना पड़ता है, जहाँ पर दूसरों को भी माफ़ करना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये रिटर्न है किसी की, कोई वापस आ रहा है। अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी की आस मुराद लगाए बैठे हो कि ये शख्स वापस आ जाए, तो वो आ रहा है इस हफ्ते, मुझे ये रिटर्न लग रहा है। और ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, ये शख्स जो वापस आ रहा है, या ये अपॉर्चुनिटी, ये करियर में भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो पहले आपने गंवा दी, लेकिन यू नो वो दोबारा से आपकी झोली में गिर रही है। तो ये पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव यहाँ पर ऊर्जा है। माई गॉड यू गाइस, तीन मेजर आर्काना, थॉरस, द हर्मिट, इनर वर्क। यहाँ लीप ऑफ फेथ है, कुछ लोगों को थोड़ा सा विश्वास करने की ज़रूरत है, शायद आपके विश्वास थोड़ा सा वो कच्चा है, वो उसको थोड़ा सा और मजबूत कीजिए। परीक्षा जब हमारी ईश्वर लेता है, देखता है ना ईश्वर की, हाँ मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं मेरे बंदे, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर परीक्षा है। आपका इनर वर्क लगेगा, लीप ऑफ फेथ लगेगा, अभी तक जीवन में जो सीखा है आपने उसको अप्लाई करने का भी समय ये हर्मिट कार्ड उसके बारे में भी होता है कि जो मैंने सीखा है उसको ही अप्लाई करना। अगर रास्ता नहीं मिल रहा, लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा, डेस्टिनी नहीं मिल रही, तो जो अच्छी बातें सीखी हैं वही अप्लाई करना शुरू कर दो, क्या पता वही लाइफ पर्पस हो आपका, है ना। तो हर्मिट कार्ड उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी देता है। पेज ऑफ वॉन्स, गुड न्यूज़ है गाइज, यहाँ पर जिसका आपने बहुत समय से इंतज़ार किया है, जिस चीज़ का आपने बहुत समय से आप आस लगाए बैठे थे, प्रार्थनाओं में भी ये चीज़ आपके शामिल थी कि हे ईश्वर मेरी इस प्रार्थना को कबूल कर, ये गुड न्यूज़ है। किसी ना किसी फायर साइंस से हो सकती है, लियो, सेजिटेरियस, एरियस, लेकिन एयर साइंस भी है यहाँ पर, बहुत एयर एनर्जी जैसे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो यहाँ पर डेफिनेटली उम्मीद लगाए रखिए, आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और ये जो गुड न्यूज़ है, आप अपने जैसे ये
आपके सभी को खुश करेगी, सिर्फ आपके खुद की खुशी के लिए नहीं है। ऐसे ही आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आप शेयर करोगे और आपको खुशी मिलेगी। यू नो ये ऐसी ऐसी खुशी है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के घर में या तो हवन होने वाला है। हवन की ऊर्जा मेरे लिए शुद्धिकरण की ऊर्जा है, सेक्रेट स्पेस क्रिएट करने की। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर घर मैनिफेस्ट होगा और वहाँ पर उसका गृह प्रवेश में आप वो वो यज्ञ करवा सकते हैं, कोई हवन करवा सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स सब्र का भी कार्ड होता है कि सब्र कर, सब्र के साथ आगे बढ़, तेरा काम भी बनेगा, तेरी दुआएँ भी जो सुनी जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों को धैर्य के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर आप गिव अप कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नाज नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ है, मैं गिव अप कर रहा हूँ, नहीं करना मेरी जान, नहीं करना, आपके ये कार्ड इस बात की आपको गवाही देता है कि जब ये यज्ञ पूरा सफल हो जाएगा, पूरा अपने अंतिम चरण में होगा, तब आपकी दुआ जो है जिस इंटेंशन के साथ आप इसे कर रहे हैं वो कबूल होगी। तो गिव अप मत करो, इसको आधे रास्ते में आधे समय में मत छोड़ो, इसे इसको पूरा करना है। हमें जो काम शुरू किया है उसे ख़त्म करना है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स गाइज, यहाँ पर जस्टिस में भी एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ये हफ्ता ना मतलब लीडरशिप, जो लोग चाहते हैं कि लीडर के रूप में उन्हें जाना जाए, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ बोलोगे ऐसा इस हफ्ते, थ्रोट चक्रा तो मतलब चीर के निकलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे कि रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। आपके आसपास के लोग जो है ना, वो आपको एक बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे कि अच्छा इसने ये बात कह दी। होता है ना कभी कभी एक ऐसा मोमेंट आता है हमारे जीवन में जहाँ पर हम कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि हैरान कर दे सभी को। तो यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी है उस लाइमलाइट को पाने की, स्पॉटलाइट को पाने की। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फ्रेश न्यू बिगनिंग है। कुछ अंधकार में, कुछ षड्यंत्र में आप फंस गए थे, ये मकड़ी का जाला, लेकिन ये तलवार है अब आपके पास, आप इसको काट करना चीर कर बाहर निकल सकते हो। एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। तो हर दिन मेरे ख्याल से न्यू बिगनिंग ही लेकर आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए न्यू बिगनिंग, जो भी जिस भी चीज़ में न्यू बिगनिंग चाहिए उस पर इस ऊर्जा को लगा सकते हो। यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स, आपकी मतलब इतनी हाई वाइब्रेशन है गाइस स्प्रेड की अभी तक, मैं तो हैरान हूँ कि क्या कर रहे हो ऐसा। तो नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, सीधा मैसेज है यहाँ पर। क्वालिटी टाइम कुछ लोगों के लिए, अपनों के साथ, अपने ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपको इश्क है, मोहब्बत है, उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सकता है। परिवार वालों के साथ होम कमिंग हो सकती है कुछ लोगों की। कुछ लोगों के लिए नया फर्नीचर है यहाँ पर, बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है इस कार्ड की। अगर आप ध्यान से देखें बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है, ये कप कितने शाही किस्म के लग रहे हैं तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग एक्साइटेड हैं नए वस्त्र, नए कपड़े खरीदने के लिए भी। तो शॉपिंग भी यहाँ पर संभव है कुछ लोगों के लिए। आप में से जो लोग भी एक्वेरियम लेने के बारे में सोच रहे हैं घर के लिए, तो यहाँ पर वो इस हफ्ता वो अच्छा रहेगा उन मछलियों का, उस एक्वेरियम का स्वागत करने के लिए भी। यहाँ पर मछलियों की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, भरे पड़े हैं आपके स्प्रेड में मेजर आर्काना, तो ये बड़ा हफ्ता रहेगा, बिजी रहने वाला है, ये चुपचाप कोने में बैठे रहने वाला हफ्ता नहीं है। इसमें एक्शन होगा, इसमें एक्शन कर्म मांगा जाएगा आपसे। जो समय चल रहा है ना, वो आपसे कर्म मांगेगा, आपसे एक्शन मांगेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने जो योगदान है, जो भी ये हफ्ते में चाहिए, वो अपना योगदान आप ज़रूर करें, ठीक है। ये हफ्ता बच्चों के साथ भी, बच्चे भी बहुत फोकस में रहेंगे, बच्चे जो हैं आपके वो फोकस में रहेंगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शायद ज़रूरी है आपके लिए। शायद आपने समय नहीं दिया है अपने बच्चों को। तो कुछ लोगों के लिए, खास करके जिनके बच्चे यंग हैं, अभी बहुत छोटे हैं, उनको समय देना। आई डोंट नो गाइस, अगेन यहाँ पर शॉपिंग की अगेन ऊर्जा आ रही है, तो शॉपिंग बहुत हो सकती है। घर का सामान कह लीजिए, या कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, कोई खास अवसर है जिसके लिए आपको ये शॉपिंग करनी पड़ सकती है। स्ट्रेंथ कार्ड ना यहाँ पर बहुत ट्रिकी ऊर्जा है। यहाँ पर जैसे वो अभ्यास कर रही है या खुद को सुरक्षित कर रही है, मुझे नहीं समझ में आता, कभी कभी मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ इस कार्ड की जो वो ऊर्जा है। तो यहाँ पर अभ्यास भी चल रहा है और यहाँ पर अपनी पावर का वो अपनी पावर को और बढ़ाना, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना, ये सब कुछ उसके बारे में है।
जैसे किसी को समझ आ गया कि ये मेरी स्किल है, ये मेरा हिडन टैलेंट है, ये मेरा यू नो ये मेरा गुण है, अब मैं इसको तराशूं, इसको मैं तराशूं और निखारूं और फिर मैं इसमें मास्टर बन सकता हूं। तो ऐसा ऐसी अगर भाव भी किसी के साथ जुड़ा हो तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग हील होने वाले हैं, मतलब पूरे तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि वो आहा, क्योंकि यहाँ पर शुद्धिकरण है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर सन कार्ड है, धूप की ऊर्जा, धूप हमें हमें हमारी बॉडी को हील करती है, हड्डियों के लिए अच्छी होती है ना। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट चल रही है, यहाँ पर खुशी चल रही है। तो ये जो भी तांडव था, ये जो भी तकलीफ थी, इससे कोई फाइनली वो हील हो रहा है, फाइनली कोई इसके साथ पीस क्रिएट कर रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट है, लेकिन ये टावर मोमेंट आपको चाहिए, क्योंकि इससे ही वो फाइनली वो पीस क्रिएट होगा। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई एपिफनी हो सकती है कुछ लोगों के साथ। यहाँ पर है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी अगेन गाइज, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मैसेजेस हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है जो कि आपको अगला रास्ता दिखाएगा, अगला मार्ग दिखाएगा कि अगला एक्शन क्या लेना है मुझे। अगेन ये बहुत बिजी रहने वाला हफ्ता है, बहुत सारे एक्शन लेने पड़ेंगे आपको। तो मेक श्योर कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं, जिस भी सोर्स से कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपके इन आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, थोड़ी सी और कास्ट लेते हैं वृषभ राशि टॉरस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। यहाँ पर है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, एस्क एंड यू शैल रिसीव, एस्क एंड यू शैल रिसीव, ये यही कार्ड है। मांगो, दुआ कबूल होगी, खुल जा सिमसिम की ऊर्जा होती है नाइन ऑफ कप्स में। आपने जो इच्छा जाहिर की है, ईश्वर उसे कबूल कर लेगा। वो कहते हैं ना, कभी कभी आपकी जुबान पर सरस्वती माँ बैठी हुई होती है। तो मेक श्योर कि इस हफ्ते अपने शब्दों का चयन भी सोच समझ कर करना। हो सकता है कोई सच में कोई चीज़ को जो बोलो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अपने शब्दों का चयन सही सोच समझ कर करना। अगर कहीं किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उसको ज़्यादा कोसना मत, वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो मेक श्योर ये थोड़ा अलर्ट रहने का रहेगा। एक तो बिजी बहुत है आपकी, एक इतनी हाई वाइब्रेशन भरे पड़े हैं इसमें मेजर आर्काना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है टॉरस राशि वालों को। यहाँ पर है हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। या ये इतनी हाई वाइब्रेशन इसी की वजह से भी आई ना, साधना तो लगी होगी कुछ लोगों की, कुछ तो कर रहे हो ना आप, जिसकी वजह से ऐसी एनर्जी आ रही है। तो इंस्टेंट डाउनलोड्स हो सकता है आपके, जो आपकी बैक है उसमें थोड़ा सा दर्द रहे, स्पाइन जो है आपकी उसमें थोड़ी हलचल, वो चिल्स महसूस हो सकती हैं आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में। ये सब कुछ इसीलिए वो कॉस्मिक गेटवे, वो रीढ़ की हड्डी को वो कुंडलिनी है ना, तो रीढ़ की हड्डी पर वो चिल्स महसूस हो सकती हैं, जो लोग खास करके मेडिटेशन बहुत करते हैं। कुछ लोगों के थर्ड आई चक्र पर वो थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन कुंडलिनी पर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर चांसेस हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शायद यूनिवर्स की तरफ से भी हो आपके लिए। तो अपनी आंखें थोड़ी खुली रखना, ठीक है। द मरियम सीक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। मैंने कहा ना, यहाँ पर फॉरगिव, वो कम्प्लीटली कोई पीस क्रिएट कर लेगा, वो फाइनल कह देगा कि हाँ भाई ठीक है, माफ़ किया, तुझे भी किया और खुद को भी किया, इस सिचुएशन को भी किया, सबको किया माफ़। तो यहाँ पर उसी के साथ आपकी हीलिंग शुरू होगी। सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। अगेन ये बड़े बड़े लेसन्स हैं मेरी जान, ये शब्द जो लिखे हुए हैं ये बहुत गंभीर मैसेजेस हैं। इनको समझने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ आपको ईगो का ना, वो अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ता है, क्योंकि ईगो को नहीं पसंद ये। ईगो कहती है कि ले, मैं तो मैं हूँ, तो तू है, मैं हूँ। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहा है कि हम सभी में वो इत्र, वो है, वो प्यार का बीज हम सभी में मौजूद है, और अगर हम सिर्फ उसको रिकग्नाइज करें तो हमारे लिए फॉरगिव करना, सरेंडर करना इजी हो जाता है। यकीन मानिए, जब हम लोगों को ना सिर्फ एक ईगो के रूप में देखते हैं कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक ईगो है, वो शख्स नहीं है, शख्स जो है वो तो एक पवित्र ऊर्जा है, जैसे हम सभी के अंदर वो पवित्र ऊर्जा है, मेरे अंदर है तो दूसरे के अंदर भी है, लेकिन अगर कोई मुझे कुछ बुरा कह रहा है तो वो सिर्फ उसकी ईगो है। और जब हम ऐसा रिकग्नाइज करते हैं ना, ऐसे हमें माफ करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम तब ईगो को माफ कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर डेफिनेटली ये थोड़े गंभीर गहरे मैसेजेस हैं, जिसके लिए भी हैं बहुत बहुत मुबारक हो। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है ये सब कुछ। ऐसे मैसेजेस को जब हम अप्लाई करने लगते हैं ना, असली ट्रांसफॉर्मेशन तो तब होती है मेरे जान। तो यहाँ पर डेफिनेटली बड़ी ऊर्जा है, एक्सपेंसिव एनर्जी है, मेक श्योर कि आप इसे यूटिलाइज करें, ठीक है। और आपके जो भी विचार हैं इस रीडिंग को लेकर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को पढ़कर। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।